हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जैसा हम जानते हैं कि जिन्नात की जरूरियात इंसानों जैसी ही हैं, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि इंसानों की जरूरियात काफी हद तक जिन्नातों जैसी हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, बैतुल खला का इस्तेमाल करना वगैरह। ये तो एक आम बात है, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि उसके साथ जिन्नात रहते हैं तो ये शायद एक आम बात ना हो। जी हाँ, एक ऐसा फार्म हाउस जहां इंसान तब तक रहते थे जब तक उन्हें जिन्नातों की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। शुरुआत में तो ये महज एक वहम मालूम हुआ, फिर यहां तफरी की नीयत से आने वाली फैमिलीज ने शिकायत की, तब ये एक इत्तफाक लगा। लेकिन जब लोग इस जगह से भागना शुरू हुए तब ये यकीन हो गया कि ठीक इंसानों की तरह कोई और भी हैं जो इस फार्म हाउस में खाते, पीते, सोते और बैतुल खला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नजर नहीं आते। गौर करें तो यहां कई फार्म हाउसेस मौजूद हैं जहां लोग आते जाते भी हैं, हत्ता के इस बंगले के बहुत करीब भी, लेकिन इस फार्म हाउस को अब जिन्नातों के लिए वक्फ कर दिया गया है। शाम होने से पहले तो लोग यहां साफ सुथराई रखते हैं, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं। वो क्या है? झूले पे भी ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा वजन डाला गया उसके ऊपर, वो मुड़ गई है उसके ऊपर की जो रॉड है। बैठ कर मैं देख रहा हूँ ये बीच में से दब चुका है, जैसे एक्स्ट्रा वजन जो है ना इसके ऊपर डाल दिया गया। हालांकि सिंगल बेड है, डस्ट बता रही है कि काफी अर्से तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये इतना वजनी कौन है आप सब? बीच में से ज्यादा प्रेस हुआ, आप उस तरफ से देखें आपको पता चलेगा वो टूटने के है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, राइट। मुझे याद आ गया वो एक पे याद है, मैं बेड के ऊपर लेटा था एक जगह टूट गया था, वेट इतना हाँ, वो वेट आया था वो ही आता है। स्विमिंग पूल दरख्त की शाख ऊपर से आई हुई है, यहाँ से होगी है काश। हाँ। ओ, ओ। यार ये वहीं होता है और मैं तो गलत नहीं हूँ तो ये पीपल है। वो पेड़ है ऊपर तक, ऊपर से देखते
ये वही बंदर रोड हवेली याद आ गई ना जी। निशाना में दो जगह नजर आ गया है, बाहर भी और यहाँ पर भी। ऐसी नौबत नहीं आई जिससे ज़्यादा खतरनाक खौफनाक वाक़यात हमने पहले भी सुने, लेकिन यहाँ कहते हैं कि एक वजूद रहता है इधर जो हर वो काम करता है जो इंसान करते हैं, खाता है, पीता है, नहाता है, झूले झूलता है, लेकिन नज़र नहीं आता, महसूस ज़रूर होता है। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, कई फैमिलीज ने कंप्लेन की है कि वॉशरूम में कोई नहा रहा होता है, हमारे साथ बैठ के कोई बैठ जाता है, सो जाता है, हम खाना रखते हैं। कौन है? लाइट थोड़ी पीछे करें चल रहे। अंगूठा नहीं है, सिर्फ वही चार उंगलियां नजर आ रही हैं। हथेली, हथेली भी पूरी नहीं है। अंगूठा कहाँ है? हवा से हिल रहे होते तो सब हिलने चाहिए थे ना। वो रुके हैं, ये सिर्फ हिल रहा है बहुत ज़्यादा। ये क्यों हिल रहा? लेकिन आपको लगता है कि क्या इतनी तेज़ ये हिला होगा कि आवाज़ बनी हो? वो आवाज़ इसी की थी। यही आवाज है। इतना तेज कैसे हिल सकता है? हम यहाँ थे सामने वाले रूम में, हम इस वाले में हम आए तो यही हिल रहा था, ये नहीं हिल रहे थे। लेकिन इस आवाज के लिए कोई भारी वजूद इसके ऊपर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ आवाज से भी नहीं होती आवाज, इतना तेज होना भी तो चाहिए, हवा से इतना तेज थोड़ी हिलेगा। हवा तो नहीं चला सकती इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए जितनी में आवाज आ रही है, हवा नहीं हिला सकती।
यार ऊपर जो निशानी मिली और फार्म पे जो निशानी मिली कुछ चार उंगलियां हैं, या तो कोई काम करने वाला यहाँ पे जिसकी वो चार उंगलियां हैं, लेकिन वो चारों बड़ी अजीब जगह पे मिली। कोई स्टेशन करीब है क्या जो ट्रेन की आवाज आ रही है? ना सब कुछ थमा हुआ है जैसे बिल्कुल खामोश। पर कोई भाग रहा है, पर कोई भाग। यहाँ से वहाँ से मुझे तो सीढ़ियों से आ रही है। दरवाजा नहीं है, यहीं से आ रही है आवाज। नहीं, ये आवाज तो यहीं से आ रही थी। मुझे लगा दरवाजा, मुझे लगा तो वॉशरूम होगा, कोई दरवाजा होगा इधर। सुन रही मुझे बार बार ऊपर से डिस्टरबेंस लग रही है बार बार। यार मैं यहाँ खड़ा था, मैंने यहाँ से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी जहाँ दरवाज़ा है ही नहीं। बाहर भी पीछे की तरफ कोई दरवाज़ा है नहीं। यार कौन चलता है हमारे साथ? सुबह एक मिनट, यही बात मैंने आपको शाम हो गई थी। बार 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 यही बात मैंने आपको शाम हो गई थी सर। बार 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 यही बात मैंने आपको शाम को कही थी सर। बार 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 बाहर है, कोई बाहर है। यार ये जो आवाज आ रही है घुंघरू जैसी, ये क्या है? लाफ्स आवाज ऐसी थी जैसे कमोड, किसी का यूं कैप नहीं होता, कमोड का कैप जो बंद होता है, कुछ वैसी आवाज थी। ये याद है कि मैंने इसको देखा है आपको बंद करते हुए, और बड़ी अजीब सी आवाज थी इसकी। इस तरह ही बंद आवाज। कोई केयर टेकर, कोई साफ करने वाला? बाहर से कोई भी नहीं आया है अभी। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, काशी कहाँ से आ रही है आवाज? कोई भी नहीं है नीचे, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। ये देखिए मैं आपको कह रहा था ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ है।
बैठा हुआ। यहाँ भी कोई नहीं। हमारे करीब आए चार उंगलियों वाले आप ही हैं। चलो शीशे के करीब आ जाओ। ये चार उंगलियों वाले आप ही हैं। ये चार उंगलियों वाले आप ही हैं। आप ही हैं जो लोगों के साथ यहां रहते हैं। ओ, लोगों के साथ नहीं रहते, अकेले। आपके अलावा भी कोई और है यहां पर? आप अकेले हैं, कोई और भी है? आप अकेले हैं यहां पर? नहीं, मतलब और भी लोग हैं। आप मर्द हैं? हाँ, मतलब अंदाजा सही था। सही अंदाजा था हमारा। गया कोई? गया काशिक यहाँ से, और ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओह माय गॉड, ये आपके सामने है, काफी बंद कर दो काशिक इसको। काफी देर तक हमारे कोई करीब नहीं आया, लेकिन जब आया तो हमारा अंदाजा सही था कि वो कोई मर्द है जो अकेले रहना पसंद करता है बजाय लोगों के। और वो अकेला नहीं है यहाँ पर, उसके अलावा भी कोई उसके साथ हैं। अब वो ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, या कोई और मर्द, मतलब मेल फॉर्म है इस मखलूक की। लेकिन ये एक वाज़े सबूत था जो काफ़ी कोशिश करने के बाद हमें मिल गया। फिर वही आवाज, मोर की आवाज। कितनी आवाज से थी यार, यहाँ से आई आवाज। हमें ये तो पता चल गया कि कोई और है यहाँ पर, ये हमारे पास भी सबूत मौजूद है इस चीज का। अब
बाकी रह गया उसको देखना या उसकी किसी प्रेजेंस को रिकॉर्ड करना, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या कहते हैं सुरभ? हमें कोई शक नहीं कि आप यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम बहुत दूर से आए हैं और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ना पहुंचा सकते। हम यहाँ रहने नहीं आए, आपके मुतालिक जानने आए हैं। बाहर थोड़ी सी आवाज़ें हैं और अचानक से ना जानवर बोलना शुरू हो गए हैं। मुझे आपको आवाज़ आ रही है सुरभि? हाँ। देखें, अच्छा इस वक्त भी वही हाल है, झूले बिल्कुल रुके हुए हैं। ये एक हल्की सी मूवमेंट है लेकिन ये हवा से हो सकती है, लेकिन वो जो आवाज़ आ रही थी ना उस वक्त इस तरीके की, वो नहीं आई है अभी। ये चार उंगलियां आप ही की हैं ना? शायद जानवर भौंक रहे हैं काशिप और सुरभि भाई को देख। मुझे ये भी अंदाजा कि ये चार उंगलियां क्यों हैं आपकी। मुकम्मल तौर पर नहीं बन पाते होंगे इंसान। क्या अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं? क्या तुम यहां पर हो हमारे इर्द गिर्द? ये झूले हिला सकते हो दोबारा से? क्या अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं किसी और अंदाज में? क्या खुद को जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? क्या खुद को जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? क्या खुद को जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? सजाद भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ये काम तो कर रहा है। हेलो सजाद भाई, सजाद भाई आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अरे सही है, बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है कि उनको सिग्नल नहीं मिल रहा हो। सजाद भाई आपको वॉकी डॉगी कर रहा हूँ, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही। क्या हो गया भाई? क्या यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? चादर गिरी हुई है ना बस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। सब ठीक है? क्या है फिर इसका? क्या है? नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखो काश। रिकॉर्डिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में क्या है? क्या खुद को जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए?
देखी रिकॉर्डिंग देखी है मतलब अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं वहां क्यों बात नहीं कर पा रहा था। लिटरली काफी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहां मैंने ये कहा ना, चार उंगलियों का जिक्र किया मैंने, जब ये कहा कि मैं जानता हूं कि आपकी चार उंगलियां क्यों हैं, पांच क्यों नहीं है, वहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ आके ना कोई भारी सी चीज सोफे पे आ गई है। जैसे आप बैठे हुए हो ना, अब अगर मैं नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन मैं अगर आपके पास यूं बैठूंगा, ये जो आपको प्रेसिंग जो महसूस होगी ना, ये मुझे लिटरली महसूस हुई कि कोई मेरे साथ आके बैठ गया। और अब मैं देख रहा हूँ उसे, तो वो चादर भी जो है वो दबी हुई है, जो चादर थी जिस वो जो सात कोने पे वो दबी हुई है। तो कमरे में अकेला मैं हूँ, और उस वक्त अब मुझे बस ये दिल मेरा कह रहा था कि कैमरा हमारा ऑन रिकॉर्ड हो, मतलब बंद ना हो गया हो, डिफोकस ना हो गया हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें बमुश्किल रिकॉर्ड होती हैं, बहुत मुश्किल से। यही था कि यार ये जो हुआ है ये रिकॉर्ड हो गया। और जब रिकॉर्डिंग देखी तो आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, मैंने जब वो रिकॉर्डिंग देखी, बड़ी बात है कि जिस तरीके से वो चादर मूव हुई है ना, और वो मूव होकर जो है वो दिख रही है उसमें, और उसके बाद कोई भी मतलब हिम्मत की बात है कि आप रुके रहे इतनी देर तक, वरना तो हिम्मत की बात क्या, मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जैम हो गया था उधर यार। यही वजह थी कि वो जो आप कह रहे हैं कि पूरा मुकम्मल नहीं हो पाता, तो यही वजह थी कि वो चार उंगलियां वहाँ नज़र आ रही थी। काशी जिस जिसने इस मखलूक को देखा ना, उन्होंने जो रिपोर्ट किया, क्योंकि हमने तो उनसे डिटेल पूछी ना कि दिखने में कैसे थे एक एक चीज़, तो कोई बताता कि उनकी आँखों में फ़र्क था, कोई बताता उनके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते, कोई बताता उनके पाँव का टेक्स्चर जो है ना उसमें फ़र्क होता, उनकी आवाज़ में फ़र्क होता, उनके होंठ और चिन में जो हमारा गैप है ना वो गैप बहुत ज़्यादा होता, या नाक और आईब्रोज में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता, मतलब कोई एक चीज़ ऐसी महसूस हो जाती जो कमी होती। 100% इंसान नहीं बन पाते। तो यहाँ जब गाड़ी से उतरती मैंने देखा था ना वो चार उंगलियाँ और पीछे थंब ऐसे था, वहाँ मुझे डाउट हुआ था। फिर ऊपर जाके जब हमने देखा कि दरवाजे पे चार उंगलियाँ थी, फिर शीशे पे हमने देखा कि उंगलियाँ थी, आधी हथेली थी, ये हथेली और अंगूठा नहीं था। ये पूरी तरह कोशिश तो होती है इनकी इंसान की फॉर्म में आने की, लेकिन कोई ना कोई कमी जो है वो रह जाती है। बज़ाहिरन आपको महसूस हो जाएगा कि फिज़िकली 100% नहीं बन पाए पूरे इंसान ना। और जब हमने EMF पर एक डायलॉग मोड ऑन करके जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि भाई आप ये डायलॉग मोड जो है हम इसको ऑन करते हैं और हमारे करीब अगर वो आ जाते हैं तो एक सवाल और जवाब का सिलसिला जो है ना वो चल जाता है। आपको याद है काफ़ी देर तक तो कोई जवाब आ नहीं रहा था, उस ड्रेसिंग टेबल पर रखा ना, रखते ही जो है ना वो आ गए करीब। मुझे याद है ज़्यादातर सवालों के जवाब में हाँ हुआ था, एक जवाब पे ना भी हुआ था। बेसिकली जो उसकी सुई नीडल है, अगर वो आपके सवाल के बाद एक बार मूव हो तो इसका मतलब हाँ होता है, और अगर वो दो बार मूव हो तो इसका मतलब ना होता है। EMF पर जो वाज़े सबूत हमें मिल चुके, उसके बावजूद हमने कोशिश की कि किसी तरह और जाने इस मखलूक के मुतालिक, इसको देख लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, या किसी तरह इससे बातचीत और हो सके, मतलब मज़ीद जान सकें। इसके लिए कोशिश की हमने कि हम अलग हो गए, मैं नीचे था आप बाहर थे, और जिसे कहते हैं ना कि एक दिल कह रहा था काशिफ के कुछ होने वाला है। अब जहाँ मैंने ये कहा ना कि बगैर नुकसान पहुँचाए किसी और तरह आप सामने आ सकते हैं, तो वहाँ मैंने महसूस किया कि कोई भारी हजूम जो है ना, या हजम जो है भारी, वो मेरे पास आके इस सोफे पे जो है ना, मतलब उसका वज़न बहुत है कि ये सोफ़ा जो है ये पहले दबा, मैं इधर नहीं देख रहा था, फिर जब मैंने इधर देखा ना तो ये मेरे सामने और दबा काशिफ सोफ़ा, नज़र कोई आ नहीं रहा, मैंने टॉर्च भी उसके ऊपर यूज़ की, वहाँ मुझसे बात हो नहीं रही थी। तो और जब रिकॉर्डिंग में देखा तो आप बताएं कि मतलब मैं तो चलो ठीक है मैं वहाँ था, आप रिकॉर्डिंग देख के क्या कहते हैं? मतलब शौक हूँ सीरियसली उस चीज़ को देखकर, जिस तरीके से वो मूव होता हुआ दिख रहा है ना, मतलब बड़ी बात थी कि आप उस टाइम बैठे हुए थे, और आप जिस तरह की आपकी फीलिंग थी ना, अच्छा मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था, जब मैं एंटर हुआ हाँ। तो मैं समझ नहीं पाया था कि अचानक हुआ क्या है, हाँ। सिर्फ मुझे वो लगा कि वो सिर्फ चादर जो है उस जगह की वो गिरी हुई है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो फिर उसके बाद आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे फिर भी आइडिया नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैंने वो फुटेज देखी, जब मैं कह सकता हूँ कि आप बड़ी
बहुत बड़ी एक हैपनिंग थी और बहुत बड़ी चीज़ थी जिस तरीके से हुई, और सज्जाद भाई ने बड़ा एक हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने आप को संभाल के रखा उस वक्त। हिम्मत की बात नहीं है, दरअसल वहाँ मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मुझसे हिला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान था कि वो मखलूक मेरे इतने करीब थी काशिफ, इतने करीब थी कि, और मैं अकेला भी था वहाँ पर, रोशनी सिर्फ टॉर्च के अलावा कुछ नहीं थी, आप भी काफ़ी फासले पर थे, मतलब ये था कि आप उसके हवाले हैं एक तरह से। ठीक है, आपने उसको बुलाया, आपने बात की, वो आ गया और इतने करीब आ गया, और आपको उसका साइज़ का अंदाज़ा है, उसके वज़न का अंदाज़ा आप बाहर झूले से लगा सकते थे, जो वहाँ सिंगल मैट्रेस पड़ा हुआ था, बेड जो था उससे उसका वज़न का अंदाज़ा पहले से लगाया हुआ था आपने। फिर जब यहाँ वो बैठा है आपके पास आकर, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मतलब क्या करें अब उससे ज़्यादा जो है ना बात, और जब ये लोग भी आ गए तो मैं इनको, मैं ये नहीं चाह रहा था कि उनके अलावा कोई और बात हो, मतलब एक चीज़ आ गई है, मौजूद है आपके सामने, वो ठीक है हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन नाइट विजन में या फ्लैश लाइट के ज़रिए हो सकता है हम मज़ीद कुछ उससे हासिल कर सकते, तो मैं कोई और बात नहीं करना चाह रहा था सिवाय उनके। सुर भाई, आपको कुछ आइडिया हुआ था जब आप आए थे अंदर, मेरे उस एक्सप्रेशन को समझा था आपने? समझ नहीं पा रहा था कि नहीं क्या मतलब, क्या आप टॉर्च से बता रहे हैं कि कोई चीज़ गिर गई है मुझसे, मैं तो समझा कि शायद आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो उस सोफे के नीचे चली गई है आकर, और आप एकदम परेशान है। काशिफ कोई पूछता रहा मतलब आखिर मामला क्या, उनको आगे कर रहा हूँ पूछो क्या, लेकिन आपको तो बिल्कुल बहुत ही बंद थी, क्या पूछता है? रिकॉर्डिंग देख के क्या कहना है? रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस कोई अजूबा सा हो गया इस बार। सही सर, इसकी तवक्को नहीं थी। सर हमेशा ऐसा होता है, अजीब अजीब तरीके से अपनी मौजूदगी का इजहार करते हैं, लेकिन इस बार तो हैरत कुन बात है, बिल्कुल करीब आकर बैठ जाना ये हैरत की बात है। और यकीन उस जगह में कोई भी होता तो वो शायद बात आपकी जगह होता तो शायद वो दरवाज़ा खुल के भाग चुका होता, लेकिन बड़ी इब्बत की बात थी कि आप बैठे रहे। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ऐड ये है कि जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी, एक तो वो चीज़ उसमें होती हुई दिखाई दे रही है वो ठीक है, लेकिन सेकंड थिंग ये है कि जब आप वो चीज़ हो रही है और आपकी लाइट उस जगह के ऊपर गई है, उसके बाद आपका कैमरा जो है वो बार बार ब्लर शो कर रहा है, और वो काफ़ी देर तक जो है ना मेलफंक्शन होता रहा है उस कैमरे में, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने में हम कामयाब रहे हैं उस वक्त। तो डिफोकस क्यों हुआ काशिफ ये, क्या मतलब उस पर रोशनी जब पड़ रही थी, मतलब उस मखलूक पर जब रोशनी पड़ रही थी तो क्या डिफोकस क्यों हुआ कैमरा वहाँ पर, क्या ये उसको रिकॉर्ड करने की नेचुरल हालत में ताकत नहीं रखता था? मोस्ट पॉसिबल देखें, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हम उससे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ थी उस वक्त मौजूद तो वो मेलफंक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसकी सिग्नल्स को, उसकी वीडियो को। हाँ, कैमरा तो एक जगह पड़ा हुआ था ना, वो उसको तो ना कोई मूव हो रहा था, वो ना लाइट से इतना फ़र्क पड़ रहा था, तो मेरे ख्याल से कि शायद उसकी जो अपनी सलाहियत थी रिकॉर्डिंग की उसमें फ़र्क आ रहा था, शायद वो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो डिफोकस हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए श्योर हूँ कि कोई आके बैठा है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ऐसा नहीं है काशिफ कि ये जगह दबी हो या ये जगह दबी हो, ऐसा लग रहा है ये जो जगह है ना जो हमारी पीठ से दबती है, जैसे हम बैठते हैं और यूं जो दबती है, ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई आकर उस पर बैठा है, जैसे इंसान बैठते हैं और वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका वज़न, वो सोफ़ा जो है, वो चादर जो है, वो आपको बता रही है कि कोई आकर मुझ पर उसने वज़न डाला है, और ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई। हम चाह रहे थे कुछ के सामने आया, मुझे ऐसा लग रहा था किसी शायद जानवर की शक्ल में या किसी आवाज़ में या कोई ऐसे साए में जो अक्सर होता है हमारे साथ, इसमें शायद वो मखलूक सामने आए, लेकिन सोच नहीं सकते थे कि एक जगह आप बैठे हैं और आपके पास आकर बैठ जाए वो।